हेलो दोस्तों, डॉक्टर ए मिश्रा के होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू। यह एक प्रकार की वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू पथरी की मुख्य दवा है। यह किडनी या गुर्दे के पथरी में रामबाण फायदा करती है। राइट साइड लेफ्ट साइड किडनी से दर्द होते हुए यूरेटर्स यूरेटर से होते हुए यूरिन ब्लैडर में जाती है। यहाँ से मूत्र नली में चली जाती है और दर्द तेज होकर के जंघा तक, मरीज के जांघ तक पहुंच जाती है। पेशाब थोड़ा थोड़ा होता है, जलन होता है, दर्द होता है। पेशाब होने के पहले और बाद में भी जलन और दर्द होती है। पेशाब लाल रंग हरे रंग की होती है और मरीज को वेदना ज़्यादा महसूस होती है। इस दशा में बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू 10 से 15 बूंद तक मिलाकर सुबह दोपहर शाम सेवन करें। कुछ महीनों तक सेवन करने से पथरी का रोग मूत्र नली के द्वारा निकल जाएगा और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। पथरी के मरीज को ये आप बाटल देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बाटल में कम से कम 4-5 बाटल पानी दिन भर में 3-4 बाटल पानी पिए। जितना अधिक पानी आप पिएंगे उतना ही जल्दी आपकी पथरी गल करके पेशाब के रास्ते से निकल जाएगी। बंधुओं दोस्तों, आपको परहेज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोई भी साग जैसे बथुआ, पालक, मेथी, मूली का पत्ता, सोवा धनिया का पत्ता न खाएं। इसके साथ साथ बैंगन, टमाटर, मीट, मछली, अंडा का सेवन न करें और पानी दिन भर में कम से कम 4-5 लीटर तक पिएं। आपकी पथरी कुछ दिनों में गल करके पेशाब के रास्ते से निकल जाएगी और मरीज हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो और मेरा परामर्श और सलाह आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।